बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल चटनी। इसके लिए हमने ये कैरी है सूखी हुई, ये देखिए ये हमने लिया है। हमने इसको कल सुबह भिगोया था तो ये आज सुबह इतनी अच्छी से सॉफ्ट एकदम भीग के ये रेडी हो गई है। सबसे पहले इसे हमें पीसना है तो इसे हम डाल देंगे मिक्सी जार में। और ये हमने इसमें जो पानी था खटाई का उसे भी हमने डाल लिया है। अब इसको हम महीन पेस्ट इसका रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमने महीन सा पेस्ट कैरी का रेडी कर लिया है। अक्सर चाट वाले भैया यही चटनी हम लोगों को चाट में डाल के देखते हैं तो हम लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, वही चटनी ये हम बना रहे हैं। इधर हमने एक पैन लेना है और ये हमने एक गोला हमने गुड़ का लिया है। आप चटनी के हिसाब से कितना आप बना रहे हैं उतना लीजिए। और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे हम चूल्हे पर रख देंगे। इधर गुड़ हमारा रेडी हो गया है, बस इसको हमें मेल्ट करना है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ये देखिए हमने पीस के रखा है। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून से डाल देते हैं, गरम मसाला पाउडर अच्छी खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून डाल देंगे। और इधर हमने चाट मसाला लिया है और ये हमने अदरक का पाउडर लिया है जिसको हम सौंठ कहते हैं, ये डाल देंगे। और ये ब्लैक सॉल्ट है काला नमक, इसे भी डाल देंगे। और ये भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ है, इसे भी डाल देंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ये सॉल्ट जो हम लोग डेली खाते हैं वो भी डाल देते हैं, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो गुड़ का पानी हमने बॉईल करके रखा हुआ है इसे भी हम छान के इसको हम डालेंगे, क्योंकि इसमें कचरा होता है इसे हम छान लेते हैं। और ये देखिए हमने गुड़ को अच्छे से छान के छन्नी में इसमें हमने डाल दिया है और खूब अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है, खटाई और गुड़ एकदम और मसाले सारे मिल जाएं, अच्छे से चला चला के मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये रेडी हो गई है, लेकिन इसमें हम एक तड़का लगाएंगे। इधर हमने कलौंजी लिया है 1/2 टीस्पून, सौंफ है 1/2 टीस्पून। और इधर हमने चूल्हे पर ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए, ये गरम हो जाए। हम इसमें सौंफ डाल देंगे और ये कलौंजी डाल देंगे। और अब बस इसके ऊपर हम डाल देंगे। और ये देखिए हमारी कैरी की चटपटी सी चाट वाली चटनी रेडी है। पूरे रमज़ान आप बना के रखिए, आराम से पूरा रमज़ान चल जाएगा।
ये देखिए, अल्लाह हाफिज़।